सभी देशवासियों को और दिल्ली के निवासियों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, और बुद्धम शरणम गच्छामि, सबका मालिक एक, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जो बोले सोनियाल, सबका मालिक एक, जय भारत, जय भीम, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद अखलाक, सैफी रोड सेफ्टी सेल, ट्रैफिक सेंटर छोलस वाला, आज मौजूद हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जो दिल्ली का बहुत ही व्यस्तम लाल बत्ती है, और मेरे साथ में मौजूद है यहाँ पर इस इलाके के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिनको यातायात निरीक्षक भी कहा जाता है और TI साहब भी कहा जाता है, हमारे सुनील कुमार साहब मौजूद हैं, और हमारे रोड सेफ्टी विभाग से आए हुए ASI राजकुमार जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, और तमाम यहाँ पर ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है, हमारी महिला कॉन्स्टेबल भी ट्रैफिक की मौजूद है, आशा, 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 कितना नाम अच्छा है आपका, कविता भी हैं, और हमारे ASI देवेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। तो मैं मोहम्मद अखलाक सैफी आपसे जो आज बात करना चाहता हूँ, सभी से, जितने वाहन चालक यहाँ आप आए हैं, इन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी दिल्ली ट्रैफिक आपकी शुक्रगुजार है, आप यातायात नियमों को पालन करके चलें और सड़क सुरक्षा यातायात नियमों को अपनाएं। जैसे हम चलते हैं रोड पर, तो हमारा जो टू व्हीलर होता है, अक्सर हमने अब भी देखा है, नियम सख्त होने के बावजूद भी हेलमेट नहीं लगाते, और जो लोग हेलमेट लगाते हैं वो अपनी महिलाओं को नहीं लगाते हेलमेट। क्या मैं जानना चाहता हूँ, हमारी बहन का, बेटियों का सिर क्या उनका लोहे का होता है, उनको क्यों नहीं लगाते हेलमेट, उनको भी लगाना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह ने, भगवान ने पुरुष का और महिला का सिर बिल्कुल एक जैसा बनाया है, उसमें जरा सा भी अंतर नहीं कराया है। आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जब आप कभी भी जाएँ दुपहिया वाहन चालक पर, तो अपने भाई के साथ जाएं, पिता के साथ जाएं, पति के साथ जाएं, आप हेलमेट लगाएं जरूर। जैसे कि आप सामान खरीदते हैं, हेलमेट भी अच्छा वाला खरीदें, कोई भी हेलमेट 50 का, 100 रुपये का पुलिस से बचने के लिए ना पहने। जो हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस होती है, उसका कोई भी उद्देश्य आपको तंग करना, पनिश करना, हरेसमेंट करना बिल्कुल भी नहीं होता। उसका उद्देश्य क्या होता है, आपको सही सलामत मंजिल पर पहुंचाना, जाम रहित सड़कें देना, जाम ना लगने देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है, जब जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, किसी भी मौसम में, वो हर टाइम मुस्तैद रहती है, आपके लिए रहती है, आपके लिए रहती है। चालान काटना उद्देश्य केवल इतना होता है कि चालान के डर से आप नियमों को पालन करें और अपने मंजिल पर सही सलामत जाएं। जो अक्सर मैंने देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नाबालिग, उनके माँ बापों से कहनी चाहता हूँ मैं बात, कि वो छोटे नाबालिग बच्चों को जब तक उनके 18 वर्ष उम्र ना हो जाए और लाइसेंस ना बन जाए, उनको कोई भी किसी तरह का वाहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दुर्घटना का संभावना रहती है। कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ, जरा अच्छी तरह फिल्माएं। और जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन पर क्या, माँ बापों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी होगा, और उन माँ बापों को 3 साल की सजा का भी प्रावधान है, और जो बच्चा है उसको भी जुवेनाइल कोर्ट, जिसको बोलते हैं बच्चा अदालत बोलते हैं, उसके अंदर भी मुकदमा चल सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों से बचें और ओवर स्पीड से ना चलाएं। और क्या करते हैं लोग, जिगजैग करके लिटा लिटा के गाड़ी चलाते हैं, उनको नहीं चलानी चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी वाहन पर फ़ोन से बातें करते हैं, उनको फ़ोन से बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम फ़ोन से बातें करते हैं तो हमारा डबल माइंड हो जाता है और दुर्घटना की संभावना हो जाती है। हमारे देश में जो लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं प्रतिवर्ष लगभग, वो सड़क हादसों में होती हैं। हमें इन सड़क हादसों को रोकना है। हमारे जो देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो भी कहते हैं शराब पीना ना पीना आपकी मर्ज़ी, मगर शराब पी के वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। आपको शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाना चाहिए, रात को डिपर का प्रयोग करना चाहिए, और जो मालवाहक वाहन होते हैं उनमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए, लॉन्ग लोड नहीं करना चाहिए। और जब हम चले सड़कों पे, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे रोंग साइड चलते हैं, हमारे नौजवान, उनको रोंग साइड, जिनको विपरीत दिशा से वाहन चलाना कहते हैं, नहीं चलाना चाहिए। कैमरामैन से गुजारिश, थोड़ा इधर भी आके फिल्माएं ऐसे। तो मैं दरख्वास्त करनी चाहता हूँ, आप रोड सेफ्टी के नियमों को अपनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनवाएं। मेरे साथ में मौजूद हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर जनाब सुनील कुमार साहब। सर, मैं आपका बहुत दरख्वास्त करनी चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत आभार प्रकट है। तो शब्द सर आप कहें, आप यही है कि रोड सेफ्टी का पालन करें सभी लोग, और उसके लिए हम ये रोड सेफ्टी वीक में रोड सेफ्टी कंपेन चला रहे हैं, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें कि वो सभी रोड सेफ्टी के जो अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी को परवाह करें और रोड के जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करें। इसी के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया, और इसमें आप अखलाक साहब को बुलाया, तो आपने बहुत कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपनी ट्रैफिक सारी टीम का आभार प्रकट करता हूँ, और हमारे जो यहाँ पर
महिला ट्रैफिक में है मौजूद। मैं दो शब्द आपसे, कौन सी कविता कहेंगी या आशा कहेंगी, क्या कहना मैडम कहेंगी? ट्रैफिक के बारे में बोलिए प्लीज, बोले आप। जिंदगी है तो जान है, सेफ चलिए, सेफ रहिए। बहुत अच्छा। और हमारे एएसआई साहब रोड सेफ्टी विभाग से, सर आप दो शब्द कहें। देखो ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 चल रहा है, इसमें सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी पंपलेट्स बांट रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं और जगह जगह जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। पब्लिक रोड सेफ चले, रोडों पर सेफ रहे, घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसी मकसद से हमारे शहर में कम से कम एक्सीडेंट हों, यही हमारा मकसद है। जय हिंद जय भारत। जी तो सभी को जय हिंद जय भारत। बैक करना, बैक कर, दोबारा बैक कर दो।